उस वीडियो में रामधन जी महाराज ने खुद बताया था कि मैं किस रीजन से जो ये यात्रा कर रहा हूँ, क्या कारण है, तो उन्होंने बताया भी था। और एक बार आप सभी लोगों को मैं वापस उस वीडियो को चलाकर बताना चाहता हूँ। और हाँ, आप वीडियो पूरा देखा करो तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। मेरे जो पिताजी था, आज उम्र में काफी बुजुर्ग हो गया, उन्होंने कि आज मेरे पिताजी के कारण मैंने बाबा भगवान से, बाबा राम साहब पीर से विनती मांगी। तो काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं हमारे को कि रामधन जी महाराज जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये किस रीजन से कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं ये यात्रा। मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। रामधन जी महाराज का जो ये यात्रा करने का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि एक समय क्या हुआ था, मैं पहले तो आपको क्लिप भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। एक समय क्या हुआ कि उनके जो पिताजी हैं, वो जो मतलब अभी बुजुर्ग है, लेकिन उस समय में अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे या कुछ ऐसा कुछ हो गया था। तो रामधन जी महाराज ने बाबा रामदेव जी से ये प्रार्थना करी थी कि हे बाबा, मेरे पिताजी अगर सही तरीके से वापस ठीक हो जाएंगे तो मैं ऐसी यात्रा मैं निकालूंगा कि जो लोग देख सके, और ऐसी जो यात्रा रहेगी मेरी ना तो पहले कभी कोई की होगी। मतलब कुछ अनोखी यात्रा है ये दोस्तों, और वाकई में ये अनोखी यात्रा है। तो दोस्तों, ये मेन जो है बाबा का चमत्कार था, उसी चमत्कार के लिए जो रामधन जी महाराज का जो ये मेन उद्देश्य है यात्रा का, आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। और काफ़ी लोगों के डाउट भी थे और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि रामधन जी महाराज की यात्रा कहाँ पहुँची। रामधन जी महाराज की यात्रा लगभग आपने पहले जो वीडियो देखे सम्मेलन वाले, सम्मेलन का जो कार्य बहुत अच्छा संपन्न हो गया है। और कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि रामधन जी महाराज की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। और इसी चैनल पर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, और एक वीडियो मैं आपको और बताता हूँ कि कल शाम को मैंने जो ये वीडियो डाला था, जो आप अगर आप लोगों ने पूरा वॉच किया होगा या पूरा आपने वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि 14 साल मेरी यात्रा है और मैंने 14 साल कंटिन्यू यात्रा हो गई। मैं आप लोगों का आशीर्वाद से 15 साल का जब मैं बाबा का था, जब मैं बाबा के गया था, और बाबा के जाने का भी एक उपदेश बता देता हूँ कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या लेके जाऊंगा और क्या लेके निकलूंगा। मेरे जो पिताजी था, आज उम्र में काफी बुजुर्ग हो गया, उन्होंने कि आज मेरे पिताजी के कारण मैंने बाबा भगवान से, बाबा राम साहब पीर से विनती मांगी। आज उसी ने वो ठीक हो गया। वो एक 4 साल से वो पैर खाट लाचार था और उसी ने मेरे बाबा ठीक कर दिया। और उसी के पट्टी में मैंने बाबा रामदेव जी की ये जो यात्रा दामी है, ये मैंने 5वीं यात्रा का संगम लिया था कि मेरा पिताश्री ठीक हो जाएगा तो ऐसी मैं यात्रा करूंगा बाबा, जो इस धरती के अंदर तेरी हर किलोमीटर तक तेरी जमला जागता रहे, तेरी सत्संग होते रहे और विशेष 36 कोम बेड़ा होते हुए आपका भंडारा लगे और भक्तों की आस्था का बना का जुड़ाव हो। तो आज मेरे बाबा की कृपा है तो आज मेरे पिताश्री ठीक हो गया। तो मेरे विशेष आग्रह सभी भक्त लोग कहना चाहता हूँ कि यहाँ राम महादेव जी का मंदिर है तो महादेव जी का मंदिर में मैं महादेव जी के भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और महादेव जी में यात्रा शुरू की, जो रामेश्वर महादेव जी बूंदी जिला